एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद मैं नाही कछौ नहीं किछ आहे न मोरा अवसर लज्जा राख लेहो सदना जन तोरा। जागत जो सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन हजूरी विच धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी दी पावन चरण छो प्राप्त गुर अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे गुर संगत रूप विच विराजमान सुभायमान समूह गुरमुख प्यारे सत्संगी जनों कलगी तर पातशाह हजूर दी बख्शिश कीती हुई फतेह सांझी करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिबां दे दरबार दे विच रोजाना दी मर्यादा अनुसार अमृत वेले दे दीवान सजे अमृत बाणी दे कीर्तन उपरंत धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की चल रही लड़ीवार शब्द विचार विच आदि गुरु गुरु नानक पातशाह हजूर दे मुखारबिंद तो उच्चारण किया होया अमृत बचन जो गुरुदेव पंचम पातशाह हजूर गुरु अर्जन देव महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के श्री राग अंदर दर्ज किया है वह अपने गुरु घर दे मुख सी गुरु सवारे सिंह साहब भाई रणजीत सिंह होरां पासों श्रवण किया है। ये अमृत बचन विच गुरु नानक देव महाराज ने सानू गुरु दर ते आउण वालियां नू मनुखी जीवन दे सब तो उत्तम अहम पदार्थ करता पुरख वाहिगुरु जी दे नाम सिमरन दी महिमा दा बोध करवाया है। इस नाम सिमरन नाल जुड़न की प्रेरणा देंदे हुए नाल नाल गुरु साहिब ने कुछ चेतावनियां भी दित्तियां ने कुछ सुचेत करन वास्ते झंझोड़न वाले बचन भी गुरुदेव ने किते। साहब जी ने बाणी दे विच साडे मनुख कहाउण वालियां दे जीवन नूं मूल रूप दे विच दो हिस्सियां विच वंड के ये सुमेल नूं जीवन आख्या। एक है शरीर दे पद्धर ते जीवन वाला एक है सुरती दे पद्धर ते मन दे मत दे रूह दे पद्धर ते जीवन वाला जीवन। आत्मा साडी रूह जिसनूं गुरुदेव ने राम की अंश आख्या है जोत स्वरूप आख्या है वह करता रूह करता पुरख वाहिगुरु रूप सूरज विच्चों निकली हुई किरण आखे है सागर दी समुंदर दी लहर दा महाराज ने इस दे नाल प्रमाण दे के इसनों तुलनाया है। ये मनुखा जीवन जिदे विच साडियां आत्मावां नूं ये शरीर रूपी भांडियां विच टिका दिता ये जिहड़ा पंज तत्तां दा शरीर बनाया इहदे बारे गुरुदेव ने कुछ कुदरती सच जिहड़े वाहिगुरु जी ने इस शरीर दियां दे नाल जोड़ दिते वह हैगियां ने इहदियां शरीर दियां लोड़ां इहदियां भुखां इहनूं जिउंदा रखण वास्ते गतिशील रखण वास्ते इस नूं कम काज जोगा रखण वास्ते जिहड़ी समर्था चाहीदी है ताकत चाहीदी है उस ताकत दी पूर्ती लई साडे अंदर भुख पैदा कीती प्यास पैदा कीती ते उस भुख ते प्यास दी पूर्ती वास्ते भोजन दी लोड़ दा एहसास करवाया
पीण वाले पदार्थां दी लोड़ दा अहसास करवाया। इस शरीर दियां कुदरती लोड़ां ने, इहदे नाल नाल इस शरीर नूं गर्मी सर्दी तों बचाउण वास्ते इस सभ्यक समाज विच, मनुखी समाज विच इस तन दा नंगेज कजण वास्ते कपड़े दी कुदरती लोड़ दा मनुख दे अंदर अहसास पैदा कीता। फिर इस शरीर नूं दूजे ही अपने कहे जाण वाले शरीर जिन्हां नूं असीं अपना परिवार आखदे हां, टब्बर आखदे हां, जिहदे विच साडे मां प्यो भैण भरा पुत्र धीआं पति पत्नी इत्यादि मिल के परिवार बणदा है, उस परिवार लई अपने लई रहण बसेरा, ठहरन दी जगह, मकान आखदे हां जिसनूं, उहदी लोड़ दा अहसास करवाया, जिसनूं कुल्ली गुल्ली ते जुल्ली दे रूप विच सियाणियां ने बयान कीता। हुण इह कुदरती लोड़ां ने, कुदरती भुखां ने, इह पूरियां होणियां ही चाहीदियां ने, ते इहनूं पूरियां करन वास्ते कोई ना कोई उद्यम उपराला, कोई ना कोई काम काज चाहीदा है, कोई किरत चाहीदी है, जिहदे नाल इह सारियां लोड़ां पूरियां करन दे लई सानूं माया मिल सके, धन दौलत मिल सके, वो पदार्थ असीं प्राप्त कर सकीए, इह सारा कुछ कुदरती वरतारा है। पर महाराज कहिंदे मुश्किल कित्थे बणदी है, समस्या कित्थे खड़ी हुंदी है, इह सारा कुछ कुदरती वरतारा जिहड़ा है वाहिगुरू जी वल्लों ही पैदा कीतियां हुईयां इह भुखां लोड़ां प्यास इच्छावां, इन्हां दे विच विघन कित्थे पैंदा है, इह परेशानी दा बेचैनी दा कारण कदों बणदियां, इहदे करके जिहड़ियां विकारी बिरतियां अंदर पैदा हो जांदियां ने ते फिर उह सुख दी बजाए सानू दुख विच लै जांदियां ने, डर सहम पैदा कर दिंदियां ने, चिंता फिक्र पैदा कर दिंदियां ने, उह की है। दातार पातशाह अज दे इस बावन बचन विच साडा ध्यान उस पासे वल दवां, बाणी दे विच महाराज ने बार बार इस गल दा जिक्र कीता है। एक गल ध्यान च रख लईए कि गुरुदेव ने कदी भी साडियां इन्हां शरीरक लोड़ां तों नकारिया नहीं, बल्कि इहदी रज के चर्चा कीती है। इन्हां लोड़ां दी पूर्ति वास्ते सानू उद्यमशील होण दा उपदेश बख्शिश कीता है। कोई भी किरत चुनो, किरत करो, पर किरत करदियां सुकृत करो, यह उपदेश नाल नाल बख्शिया। पर महाराज कहिंदे किरत दे नाल नाल जे कीरत करोंगे तां इह किरत ते कीरत दा सुमेल तुहाडियां भुखां, तुहाडियां लोड़ां, तुहाडियां इच्छावां इन्हां नूं गलत नहीं होण देगा। मुश्किल इत्थे बनदी है महाराज कहिंदे जदों तुहाडियां भुखां, तुहाडियां लोड़ां जिहड़ियां कि कुदरती ने, इन्हां नूं तुसीं अपने अवेसलेपण विच बेध्याने हो के, बेसंजमे हो के जदों गैर कुदरती बना लैंदे हो ना, इह भुख भुख नहीं रहिंदी, इह तृष्णा बन जाती है। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਕਰਤ ਨਹੀਂ ਕੁਕਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ, ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਸੰਜਮਾ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਛੱਕ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
और महाराज ने बाणी विच तृष्णा नू अग दे नाल तुलना दिती है। महाराज कहते जिवें अग जिन्नियां मर्जी उहदे विच लकड़ां पाई जाओ बालण पाई जाओ वह होर प्रचंड हुंदी जांदी है ना, इसे तरीके नाल ही जिहड़ी साडे अंदर पैदा हुई तृष्णा है ना वह कदी बुझदी नहीं कदी मुकदी नहीं, जिंदगी मुक जांदी है बंदे दी ए तृष्णा ते इस तृष्णा दे अधीन कीती हुई दौड़ भज उहदा किते अंत नहीं हुंदा। ते ए तृष्णा ना पूरी होण करके ही महाराज कहिंदे जिन्ने औगण जिन्नियां बुरियाईयां जिन्ने विकार गलतियां तुहाडे जीवन विच नजर आउंदियां ना वह इहदे करके है। नाल ही महाराज फिर यह कहते हैं भाई मैं जो थोड़े जीवन में डरिया होया चिंता तुर फिक्रमंद देखदा बेचैन अशांत देखदा तो फिर मैं इस गल नूं विचारन दा यतन करदा क्यों मनुख वाहिगुरु जी दी राम अंश होण दे बावजूद भी उस सत चित आनंद वाहिगुरु जी दा जोत सरूप होण दे बावजूद भी उस वाहिगुरु जी वाले रूहानी आनंद तो वांझा क्यों रह जाता। इहदे जीवन दे विच उठदियां बैठदियां काम काज करदियां संसार विच विचरदियां होर बहुत कुछ मिल जाता है आनंद क्यों गुआच जाता। यह दुखी होके चिंतातुर होके डरिया सहमिया जीवन क्यों बतीत करता इहदे कारण की ने। अज उन्हां कारणां दा भी जिक्र कीता है ते उन्हां कारणां तों निजात हासिल करने वास्ते भी साड़ी अगवाई कीती है। कुछ लोड़ां साड़ियां मुख तौर पर जिन्हां नूं महाराज ने अज विचार अधीन लियांदा पहली है खाण पीण दी, दूसरी है पहनण दी लोड़, तीसरी है रैण बसेरे दी लोड़, चौथी है जिहड़ा असी इस संसार विच विचरदे हां सवारियां दे साधन आउण जाण दे साधन अपनाउंदे हां थोड़ी दूरी ते जाणा होवे पैदल भी चले जाणा पर जे किते दूर जाणा है कम्मां काजां लई किते होर जिम्मेवारियां दे लई उहदे लई सानूं सवारी दी लोड़ महसूस हुंदी है उहदा महाराज ने अज जिक्र कीता। ते इक जिक्र कीता महाराज ने इह शरीर जदों कम्म काज करदे हां सोचदे हां विचारदे हां शरीर की वरतों करदे हां थक जांदा है ये शरीर इस नूं आराम की लोड़ पैंदी है नींद की लोड़ पैंदी है उहदा भी महाराज ने अज जिक्र कीता है। साहिब कहिंदे सब कुछ बड़ा कुदरती है ते इस दी कुदरती तरीके नाल पूर्ति जिहड़ी है वह जरूरी भी है ते जायज भी है करनी बनती है। मैं अपने सिख नूं महाराज कहिंदे वेलड़ हथ अड्डदा भिख मंगा नहीं देखना चाहुंदा, मैं चाहुंदा मेरे नाल रिश्ता बनाउण वाला मेरा सिख कहाउण वाला व्यक्ति इत्थे किरत करे फिर कीरत करे ते किरत ते कीरत दे इस उद्यम उपराले जो कुछ उन्होंने मिलिया भावें सतसंग के रूप में मिलिया बाणी के रूप में मिलिया सिमरन के रूप में मिलिया तो किरत के जो कुछ धन दौलत पदार्थों के रूप में मिलिया वह दूजियां नाल वंड के छके वो खुद गर्ज ना हो परोपकारी बन के जीवे वो देने वाले का शुक्र भी करे ते उन्हों अपने तक सीमित ना रखे। धन गुरु नानक पातशाह हजूर ने इस नूं ना केवल उपदेश रूप विच बयान कीता बल्कि इस नूं अमली रूप देण वास्ते करतारपुर साहिब दी नगरी वसाई उत्थे एक किरत ते कीरत दा मॉडल सानूं दिता उहदा नाम रखिया करतारपुर बंदियां दे नाम ते नहीं कोई होर संसारी नाम नहीं दिते करता पुरख जी दा नगर वाहिगुरु जी दा नगर
जिन्हें यह सब कुछ किया, दिसदा अण दिसदा पसारा जिस करतार दी किरत है उस दे नाम ते ये नगर वसाया करतारपुर। हुण उस करतारपुर दे विच जिंदगी दे इस संसारक सफर दे आखरी सालां दे विच गुरु नानक पातशाह करदे की पए ने, साहब अमृत वेले उस नगर विच आउण वाले उत्थे रहण वाले सारियां नूं एक प्रेरणा दिंदे है, होका दिंदे है कि भाई इत्थे घरां विच सुते नहीं रहना, आलसी नहीं होना, दलिद्री नहीं होना, सारे जणे आओ अमृत वेले आपां बैठांगे सारे। उस करता पुरख दी जिहदे नाम ते इह नगरी वसाई है उस करते दी किरत करांगे। भाई साहब भाई गुरदास जी इस मर्यादा दा रोजाना दी इस किरिया दा जिक्र करदे ने अपनी वारां दे विच कि करतारपुर रोज की हुंदा है। सोधर आरती गावी है अमृत वेला जाप उचारा, यह करतारपुर दे विच रोज हुंदा है। वाहिगुरु जी दा सिमरन बाणी दे रूप विच, कीर्तन दे रूप विच, विचारां दे रूप विच चलदा। फिर गुरुदेव यह सारा कुछ करके फिर कहिंदे हुण जो कुछ आपां ने कमाया बीजे है अनाज दे रूप विच होर वस्तुआं दे रूप विच, आओ बैठ के आपां छकीए नाश्ता करिए ते हुण इस तों बाद की करिए, चलो सारे जाने कम्मां ते। जिहनूं जिहड़ी किरत आउंदी है उही किरत करे। मैं हल चलावांगा जमीन ते जाके इस करतारपुर दे विच धरती ते हल चलावांगा, अन्न बीजण दा उद्दम उपराला करांगा। तुहाडे विचों जिहड़ा मेरे नाल आउणा चाहुंदा मेरे नाल आवे, जिहनूं होर कोई कम्म आउंदा है ओह होर कम्म करे, वणज वपार करे, कोई तरखाणा कम्म करे, किसे होर नूं जिहड़ा कम्म आउंदा ओह इत्थे करे, पर वेलड़ नहीं किसे ने बैठणा। मैं भी किरत करांगा, तुसीं भी किरत करियो। फिर दिन वेले प्रशादा छकांगे, असीं रोटी नहीं खावांगे, लंगर छकांगे। गुरु के लंगर विच जिसदा भाई साहब रणजीत सिंह होरी जिक्र कर रहे सी, इत्थे रोटी नहीं पकदी, इत्थे गुरु का लंगर बनता है। और इस गल का गुरु प्यारे हो बहुत गहरे दे विच सानू बिना देरी कीतियां विचार करन दी लोड़ है। रेस्टोरेंटां दियां घरां दियां रोटियां विच भावें उत्थे छत्ती पदार्थ होण ते गुरु घर दे विच बने हुए लंगर विच फर्क की है। उत्थे तुहानूं दुकान दे उत्ते रेस्टोरेंट दे वड्डे वड्डे फाइव स्टार होटलां विच कोई नहीं कहिंदा लंगर छक लो जी, प्रशादा छक लो जी, घर च भी नहीं असीं कहिंदे। नाश्ता कर लो जी, लंच कर लो जी, डिनर कर लो जी, ब्रेकफास्ट कर लो जी, लफ्ज़ असीं इह बना ले, रोटी खा लो जी अपनी भाषा च असीं कहिंदे। कोई नहीं कहिंदा गुरु का लंगर छक लो, पर इत्थे कोई नहीं कहिंदा रोटी खा लो। गुरु घर दे विच आके कोई नहीं कहिंदा इत्थे डिनर कर लो जी, इत्थे लंच कर लो जी। इत्थे भावें सवेर का समा होवे, दुपहर का होवे, शाम का होवे, कोई भी समा होवे, गुरु का लंगर तैयार है, लंगर छक लो। इत्थे रोटी भी नहीं लफ्ज़ वरतदा, कोई पानी भी नहीं लफ्ज़ वरतदा, प्रशादा छक लो, जल छक लो। इत्थे भाषा बदल गई, कल्ली भाषा नहीं बदली, यह कोई लफ्ज़ एवें असी भावुक होके नहीं चुने, सानू गुरमुखां ने दिते, इन्हां शब्दां दे पिछे अध्यात्मक चेतना काम करती है। ये लंगर इस करके है, ये पवित्र इस करके है, ये सत्कार करन योग इस करके है, इहदा किणका भी गिर जावे असी चुकदे हां, भावें अद्धा सड़िया जांदा कच्चा भी होवे, भावें दाल च लूण मिर्च घट भी होवे, भावें वध भी होवे, असी कदी गिले नहीं करते। इत्थे हथ ते भी छकना पवे असी शुक्र करके छकदे हां, यह गुरु का प्रसाद है। क्यों? इहनूं जदों बनाया गया इन्हों इत्थे अनाज दे रूप विच, इत्थे दाल सब्जियां दे रूप विच, मिर्च मसालियां दे रूप विच जदों लियांदा गया, लियाण वाले जिहड़े ओह गुरु प्यार विच लिया रहे ने, सतसंगियां दे प्यार विच लै के आ रहे ने, गुरु दा शुक्र करन वास्ते ओह रस पाणी लै के आ रहे ने, ते जिहड़े बनाउण वाले ने उन्होंने भी गुरु गुरु करके गुरु दे प्यार विच, गुरु दीयां संगतां दे प्यार विच तैयार कीता, ते वंडण वालियां ने भी सतनाम वाहिगुरु करके प्यार नाल पंगतां विच बिठा के लंगर छकाया। फिर इत्थे अकबर वर्गा बादशाह आ गया, भावें कोई संसार दा कोई वड्डा अफसर कहाउण वाला अमीर वजीर आ गया,
ते भावें संसार दीयां निगाहां दे विच नखिद नीवी जात दा कहा जाण वाला हंकारी लोकां वलों ओह आ गया। किसी दे कपड़े मैड़े ने, कोई बहुत लोड़वंद ओह भी नाल बिठाया जांदा, जिथे नहीं बिठाया जांदा खिमा करना ओह लंगर नहीं है, ओह गुरु का लंगर नहीं है। वह बिठाउण वाले भी जिहड़े ओह मैं गुरु दे पैर विच कह रहे हैं वह सिख नहीं हैं, क्योंकि गुरु नानक पातशाह दा दित्ता मॉडल जिहड़ा है, उन्हां दा दित्ता होया जिहड़ा उपदेश रूप अमली कार्ज है, गुरु नानक साहिब दे तैयार किए हुए लंगर दे विच हर गरीब गुरबा कहा जाण वाला, हर नीवी जात दा संसारक तौर पर अखौती तौर पर कहा जाण वाला, भावें कोई हाकम है वह आके बैठता है तो बराबर बैठता है, तो उन्हें मिलता भी बराबर है। उ कुछ अमीर वजीर नू हाकम नू मिलता है, उ किसी लोड़वंद गरीब कहे जाण वाले नू मिलता है, कोई वखरेवा नहीं। बैठन की भी एको मर्यादा, छकण की भी एको मर्यादा, दिते जाण की भी एको मर्यादा। इस करके रोटियां दे विच ते लंगर विच फर्क है, भावें घर दियां रोटियां ने ते भावें रेस्टोरेंटां च बनिया हुई रोटियां ने, उत्थे खाण दे वेले साडे मन दे विच अहसास फुरने होर ने, इत्थे बैठ के जदों असीं लंगर छकदे हां उहदे पिछे फुरने होर तरह दे, साडे अंदर दी भावना होर तरह दी, मन दी अवस्था होर तरह दी है, इहनूं ध्यान च रखण दी लोड़ है। इसे करके भाई साहब ने जिहड़ी इह गल आखी ना कि बाहर वंडियां ना पाओ, इत्थे लियाओ जो कुछ लियाउणा है, इत्थे सांझा बणे। गुरु नानक पातशाह दे करतारपुर विच इह कदी नहीं सी हुंदा, बथेरे अमीर सीगे, वड्डे वड्डे तनाड़ भाई साहब मनसुख वर्गे, भाई साहब बुखारी जी वर्गे बड़े बड़े तनाड़ सीगे गुरु दरबार विच, भाई बैड़ा मोखा जी वर्गे, भाई जित्ते जी वर्गे बड़े बड़े तनाड़ गुरु के सिख सी, पर उन्होंने कदी अपनी अमीरी का हंकार नहीं सी, कदी उन्होंने गुरु नानक पातशाह के लंगर तो अपने वखरे लंगर नहीं सी चलाए, वंडियां पा के उन्होंने कोई वखरा कुछ नहीं किया। असी तो ना लंगरां नूं लंगर रहण दिता है, आ नगर कीर्तना दे विच भी असीं जो कुछ दिखावे कर रहे हैं उन्हों उहदा भी व्यापारीकरण करता, उस दे अंदर दी सूक्ष्मता भी असीं दा ते ला दित्ती। अज जो नतीजे ने, मैं अक्सर बेनती करता हुंना पीड़ित मन दे नाल, नगर कीर्तन निकल रहा एक दिन पहला सड़कां साफ, ते जिद्दन नगर कीर्तन निकलिया अगले दिन लोकी लंघदे हो, भाई कल तो चंगी तरह चंगी भली सड़क साफ सीगी, आ हुण की हो गया, इन्ना गंद किदां पै गया? जी सिखां ने नगर कीर्तन कढ़िया सी अपने गुरु दे प्यार विच, ही गंद उहदे करके पै गया, उत्थे ही खाधा उत्थे ही सुट्टा। कुछ सिख सुचेत होण लगे ने, कुछ कानूनी कारणां करके ते कुछ अंदर दे प्यार करके, पर नहीं ये शर्म की गल है, साढ़े वास्ते नहीं होना चाहिए, पर लापरवाहियां अजे भी बहुत ज्यादा ने। नगर कीर्तन वेले गुरु साहब दियां पालकियां अगे झाड़ू लैके फोटो खिंचवाउणियां वीडियो बना लैनियां, वह चलता है कि गुरु ग्रंथ साहब के अगे अगे झाड़ू लैके पानी छिड़का रहे ने, झाड़ू दे रहे ने, तो भावें धूड़ कट्टा उपर पै रहा। मैनू खिमा कर देना, मैं ये इस तरह के लफ्ज़ वरत रहे हैं, पर यह सारा कुछ असी फोटो खिंचाउण वास्ते वीडियो बना बना के दिखाउण वास्ते करता, गुरु का प्यार मनफी हो जाता है। ये भाई जदों नगर कीर्तन लग गया फिर झाड़ू देण दी लोड़ नहीं, फिर जिहड़े आ रहे ने वह वाहिगुरु दे साजे मनुख नहीं, उन्हां नूं सफाई दी लोड़ नहीं, तुसीं गंद पा के चले गए, गुरु ने यही आग्या कीती सन। मैं इस करके बेनती कीती, जदों भी असीं अवेसलेपण विच बेध्यानेपण दे विच बेसंजमे होंने आं, लापरवाह होंने आं, उदों साडे कोल गलतियां होंदियां ने, और उहो ही गलतियां जिहड़ियां ने महाराज कहिंदे जे ना सुधारियां जाण फिर उह साडियां आदतां बन जांदियां ने, उह विकार बन जांदे ने, ते उहदे विचों जिहड़े नतीजे निकलदे आ ना वह कभी भी आनंददायक नहीं निकलते, कभी भी माण करन योग नहीं निकलते। उन्हां दे करके वह भावें गुरु के नाम से किए जाण, रब के नाम से किए जाण, उहदे विच्चों सुख नहीं निकलता, होर बहुत कुछ निकल सकता है। अज गुरुदेव गुरु नानक साहब ने सानू इस पक्षों सुचेत करके करतार पुरख वाहिगुरु जी की किरत, उहदा शुकराना, उहदे शुक्रगुजार होना, ते उस दी प्यार याद नूं अपनी सुरती बिरती विच दृढ़ करके
फिर किरत करदियां होया अपने शरीर की पालना पोसना परिवार की पालना पोसना उहदे फर्ज अदा करन ते संसार दे विच वंड के छकन परोपकारी बिरती दे अधीन इस तरह का जीवन जीवन की प्रेरणा दिती है। ते नाल ही आखिया कि जे इस तरह नहीं करोगे तो एक गल याद रखियो महाराज कहिंदे मेरा जीवन अनुभवी कहिंदे मैं तुहाडे संसार दे लोकां दे जीवन नूं देखिया वड्डे तो वड्डे शाह बादशाह कहाउण वाले अमीर वजीर कहाउण वाले वड्डे वड्डे पंडित विद्वान विचारवान कहाउण वाले महल माड़ियां दे मालक धर्म दे नाम दे उत्ते अपनी पूजा मानता कराउण वाले अपने सुख साधना वाले पासे तुर के धर्म का व्यापारीकरण करन वाले बहुत ने जिन्हां ने समाज नूं गुमराह कीता समाज विच वंडियां पाईयां अपनियां गरजां करके। मैं उन्हां दा जीवन भी महाराज कहिंदे देखे है आनंद है नहीं उत्थे सुख है नहीं। इस करके गुरुदेव कहिंदे मेरे कोल चल के आउण वाले हो गुरु दे सिख कहाउण वाले हो दुनिया की भीड़ विच्चों निकलो वह जी दुनियावी बिरतियां वाली सोच है ना उन्होंने गुरु की मत जोड़ के गुरु वाली गुरमुखा वाली सोच मनो अवस्था के धारनी बनो। फुरमान करते हैं सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज सब रस मिठे मने हैं सुने हैं सालू है। बहुत गैर गंभीर बचन है गुरु प्यारे हो अत बिस्मती बचन है बहुत एकाग्र होकर इन विचारन की लोड़ है। दातार पातशाह कहिंदे देखो यह शरीर बनाया साडा इहदे विच भुख भी पैदा कीती शरीर नूं जिउंदा रखण वास्ते जिहड़ी ताकत चाहीदी है उहदी ताकत भोजन विचों मिलनी है पीण वाले पदार्थां चों मिलनी है। यह पदार्थ मिलन भोजन दे रूप विच यह इस शरीर की कुदरती लोड़ है। पर एक होर बिस्मादी वरतारा गुरुदेव ने इस शरीर दे विच पैदा करता आ छोटा जिहा मास दा लोथड़ा जिहनूं असीं जीव आखदे हां इह लाती साडे इह हैरान कुन करता पुरख की किरत है। इसने उस पदार्थ नूं जिहड़ा असीं भोजन रूप विच छकिया जां तरल पदार्थ दे रूप विच पीता उहनूं केवल शरीर अंदर धारण करके अंदर लंघाउण दा ही कम नहीं कीता उहदे अंदर जिहड़े स्वाद ने रस ने उहनूं रस नूं मानण दा भी इहदे अंदर बल पैदा कीता है। ऐ पदार्थ मिठा है ऐ पदार्थ लूणा है ऐ पदार्थ खट्टा है ऐ पदार्थ कसैला है कौड़ा है ऐ फिक्का है ये बेस्वाद है ये बहुत स्वाद है ये सारी ताकत समर्था इस छोटी जी मास की जीभ दे विच पा दिते है। हुण ये क्यों पाया ये करता पुरख जाने पर गुरुदेव कहिंदे इसे ही जीव की इस समर्था नूं ध्यान विच रखदिआं मनुखां ने ना केवल भोजन की लोड़ पूरी करन वास्ते उद्यम कीता भोजन स्वादला भी होवे रसदायक भी होवे चंगा भी लगे खाण वेले मन भौंदा भी लगे ये भी लोड़ की पूर्ति वास्ते यतन शुरू कीते क्योंकि जीव की लोड़ कुदरत ने इस दे विच पा दित्ती समर्था पे स्वादला भी चाहिए भोजन भी होवे पर भोजन स्वादला भी होवे। इस तरह अपनी अपनी पसंद मुताबक किसी मिठा चंगा लगता किसी लूणा चंगा लगता कोई खट्टे ज्यादा पसंद महाराज कहिंदे सारा कुछ इत्थे पैदा होया इस जीव ते करो पूरे पर करन लगे हाँ एक गल का ख्याल रखियो इस कुदरती लोड़ की पूर्ति दे वास्ते जेड़ा उद्यम करो वो इन्हां हत्थां पैरां नाल करोगे इन्हां अखां की दृष्टि नूं वरत के करोगे कन्नां की सुनन शक्ति नूं बोल के करोगे जीभ की बोलन शक्ति नूं वरत के करोगे हत्थां पैरां नाल करोगे पर ये सारे कुछ जेड़े वाहिगुरु ने दातां दे रूप विच सानूं दित्ते ने ना साथ इन्हां नूं वरतण लगे हाँ बेध्याने ना होयो अवेसले ना होयो लापरवाह ना होयो नहीं तो जे तुसी इन्हां लोड़ां की पूर्ति करते करते किते अपनियां लोड़ां नूं गैर कुदरती रूप दे लिया ये तृष्णा बन गई ना जे तुहाडी भुख तां फिर याद रखियो जिन्ना मर्जी खट कमा लियो इस धरती ते रहिंदे हाँ कदी रजेवा नहीं आएगा तृप्ति नहीं आएगी
संतोख नहीं आएगा ते जे रजेवा नहीं ते फिर शिकवा है। जिदन तृप्ति महसूस करांगे शुकराना उदो ही निकलना है। जिदन रोटी खाने घर बैठ के किसी के कोल बैठ के खाने हैं, बड़ा स्वादला बनाया जी भोजन, कहते थोड़ा जो होर लै लो, नहीं जी बस हुण भुख मिट गई, रज गया हुण, थोड़ा जहा लै लो बड़ा स्वाद, नहीं जी बस हुण लोड़ नहीं, बहुत धन्यवाद तुहाडा तुसीं बहुत भोजन स्वाद बनाया, भुख मिट गई हुण धन्यवाद निकल रहा है। पर जे भुख ना मिटे तो शिकवे निकलते ने, घर दे विच कलेश पै जांदा, आ की बनाया क्यों नहीं बनाया हुण तक, मेरी भुख नाल जान निकल, शिकवे निकलते हैं। यही जिंदगी की सच सच्चाई है। लोड़ां पूरियां ना होण ते शिकवियां नाल भरदे आ, ते जे लोड़ां पूरियां हो जाण फिर अंदरों रजेवे की अवस्था संतुष्टि की अवस्था निकलदी। पर महाराज कहिंदे जे वह कुदरती भुख का कुदरती रजेवा नहीं करोंगे तो फिर कदी भी शुकर दे विच नहीं आओगे। तो जे नाल नाल याद करोंगे वाहिगुरु नूं, कीरत करते जाओगे तो आनू जीवन दे विच ऐ भुख नूं तृष्णा वाले पासे ले जाण दी कदी भी ओह जी माड़ी घड़ी नहीं आएगी, कदी बेचैन अशांत नहीं होवेंगे। तुहानू आराम चाहिए, तुहानू भुख चाहिए, अपना भोजन चाहिए। तो महाराज कहते पर जे तुहानू शुकर करना आ गया ना तो याद रखियो तुसी थले भी सौ गए ना, जे करता पुरख वाहिगुरु जी की प्यार याद तुहाडे अंदर चलती है ना तो तुहानू थले पैना भी जड़ा परालियां ते पैना भी जड़ा आनंददायक बन जाएगा। तो जे वाहिगुरु जी के प्यार विच सुक्का रुखा प्रशादा भी मिल गया ना तो भी अत दे शुकर विच तुहानू उस स्वादला लगेगा, तुहाडे अंदर रजेवा तुहाडे अंदर शुकराना पैदा करेगा। बाणी का फुरमान है, रुखो भोजन पूम सैन सखी प्रिय संग सुख बिहात। रुखा भोजन होवे भावें थले भूमि ते सौण दा मौका बन जाए, पर जे मेरा वाहिगुरु मेरे नाल है ना, वाहिगुरु दी प्यार याद मेरे नाल, महाराज कहिंदे मेरा समा बड़े सुख विच बतीत होंदा है। महाराज कहिंदे मैं अपने सिख नूं इस बिरती विच देखना चाहुंना, शब्द दी विचार विस्तार मंगदी, यतन करांगे जिन्ना क अज हो सकिया, बाकी कल करांगे। महाराज कहिंदे सब रस मिठे, मिठा भोजन चंगा लगता है ना सानू, पर जब लोड़ पूरी हो जाए बस ठीक है। पर जे वही भुख तृष्णा बन जाए तो फिर कहते पेट ते भर गया पर अजे मन नहीं भरिया, नीत नहीं भरी, गलत हो गई। वही भोजन जिसने तुहानू तुहाडे शरीर नूं शक्ति देनी वही भोजन बीमारी का कारण बन गया। है तो मिठा सी, है तो स्वादला सी, पर वह भुख की जगह पर बेसंजमा होके तृष्णा बन गया, गलत हो गया। महाराज कहिंदे बस यही गल रूहानी जिंदगी दे रूप विच मैं तुहानू दृढ़ करवानी चाहुंना। यही अध्यात्मकता है, यही धर्म है कि जीवन करता पुरख वाहिगुरु जी का गुणगान करदिआं जदों बतीत होएगा तुहाडे जीवन विच तुहाडियां भुखां इच्छावां लोड़ां जिहड़ियां ने मंगां जिहड़ियां ने वह बेसंजमियां नहीं होणगीआं। ये बेसंजमियां होंदियां ही उदों ने जदों इधर शरीर दीआं कुदरती लोड़ां दा ध्यान धरदिआं धरदिआं तुसीं दुनिया वल देख के जीउणा शुरू कर दिंदे हो। उहदे कोल इन्ना है, उहदे कोल छत्ती पदार्थ ने, उहदे कोल सवारियां इहो जिहियां ने, उहदे कोल महल माड़ियां ने, मेरे कोल नहीं है। फिर महाराज कहिंदे उस वेले होके लैंदे आ तुसीं बाहर बनिया हुआ सोहना पार्क, बाहर बनिया हुआ बहुत सुंदर बाग जिहदे विच फुल लगे ने तरह तरह के, उहदे विच हरियावल वाले दरख्त लगे ने, उत्थे सैर करो, लम्मे साह लो, कसरत करो, तुहाडा शरीर तंदुरुस्त हुंदा है, कुदरत दे उस नज़ारियां नाल तुहाडे मन नूं संतुष्टि मिलती है, ते नाल ही कादर याद आउंदा है, वह बनाउण वाला याद आउंदा है, कैसे कमाल दे फुल पैदा कीते है, कैसे सोहने दरख्त और किन्नी तरतीब दे विच ऐ सारा कुछ बनाया। धन एक कुदरत नूं रचण वाला, ते वह भी किन्ना प्यारा मनुख है जिन्हें एक कुदरत दे बनस्पति नूं
ਬ੍ਰਿਸ਼ਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਜਾਇਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰੀਗਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡਿਓਂ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਗ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਵਲ ਗਈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਈ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਉੱਡਣਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਆ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁੱਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋੜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੁੱਝੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਤੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖੜੋਤ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਮਦ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਹੈ ਇਹ ਜਹਾਦ ਦਾ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਰਖਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਸਬ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੀਰਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਯੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜਾ ਯੋਗੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੰਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਮੁੱਖ ਤਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਸੌ ਵਾਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ, ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰੀ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਟੱਟ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਸੇ ਵਰਗੇ ਰੰਗੜ ਹੰਕਾਰੀ ਬਦਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ
हरी मंदिर नहीं टठिया। अकाल तख्त साहब की इमारत ढा दी गई, अकाल तख्त नहीं ढाया जा सकया, क्योंकि वह अकाल जी का है, वह इमारतों का मुथाज नहीं। इमारतों से ओदियां प्रतीक ने, उन्हूं याद करन वालियां वास्ते ओ मान करन योग नमो करन योग थां है, उत्थों प्रेरणा लैण वास्ते राज योग दी ओ थां है, उन्हूं ढाया नहीं जा सकता। ढाउण वाले मुकणगे, उन्हूं ढाया नहीं जा सकता। मीरी पीरी नूं वख करके जिहड़े भी देखणगे, पीर कहाउण वाले भी, साधु महात्मा धर्मी कहाउण वाले भी, हंकार क्रोध विच अपनी पूजा मानता दे इस व्यापारी बिरती दे सुभाव विच खत्म हो जाणगे। मीरी दे बादशाह कहाउण वाले भी मुक जाणगे, पर मीरी ते पीरी दे सुमेल विच जीवण वाला राज ते योग दी, संत ते सिपाही दी, भगती ते शक्ति दी सोझी करवाउण वाला, जीवन जुगत देण वाला सतगुरु, ते उस सतगुरु नाल जुड़े हुए सतगुरु दी इस जुगत नाल समर्पित होके जीवण वाले, वह नहीं मरणगे कभी। भाई मतीदास ने कभी नहीं मरना, भाई सतीदास ने कभी नहीं मरना। इस गल नूं इत्थे बैठ के समझना है। अज मीरी पीरी दिवस मनाउंदे आ, इह मीरी दे की अर्थ ने, शस्त्रधारी होण दी आग्या कीती गुरु देव ने, चंगे तो चंगे घोड़े लैके आओ, चंगे तो चंगे शस्त्र लैके आओ, पर मेरे सिख कहाउण वाले हो, यह शस्त्र लियाउंदिआं एक गल दा ख्याल रखना, गुरु दा दित्ता होया गुरबाणी रूप शास्त्र इहदे नालों नहीं टुटना। तुहाडी किरपान विच ते जहांगीर दी किरपान विच फर्क होवे, उहदी किरपान जुल्म वाले पासे तुर सकदी है, दूजियां दे हक खोण वाले पासे तुर सकदी है, दूजियां दे धर्म नूं दुकाने बातल कह के, झूठ दी दुकान कह के खत्म करन वाले पासे तुर सकती है। गुरु अर्जन देव पातशाह नूं शरीरक तौर ते तसीहे दे के खत्म करन दी कुछ ही बिरती अपने अंदर लिया सकती है, पर मेरे सिखा, गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे, तेरी किरपान दे नाल मैं ए कुछ वर्तारा नहीं देखना चाहुंदा। तू किरपान धारी होवें, शस्त्र धारी होवें, पर जदों तेरा शस्त्र चले ना, वह निहत्थे ते चले ना, वह शरण आए ते चले ना, किसी अबला ते चले ना, किसी रोगी ते चले। ये छे बचन महाराज गुरु हरगोबिंद साहब ने नाल कीते कि मेरा सिख शस्त्रधारी होने दे नाल नाल, जे शस्त्र की वरतों इन्हां दे उत्ते करेगा, किसी अबला दे उत्ते, किसी निहत्थे ते, किसी शरण आए ते करेगा, बुजुर्ग ते करेगा, अबला ते करेगा, वह मेरा सिख नहीं। ये फर्क है जहांगीर दी तलवार विच ते मीरी पीरी दे अकाल तख्त ते धारण करन वाले वड योधा बहु परोपकारी, ओ गुरु हरगोबिंद साहब दे शस्त्र विच ये फर्क है। मीरी पीरी दा सिद्धांत जिहड़ा है ओ दुनिया विच बादशाहां कोल नहीं है, साधु महात्मावां कोल नहीं है, पर गुरु दे सिख कोल है, गुरु हरगोबिंद साहब दा दित्ता। बादशाह बचन करदे कि भाई मैं तुहानूं राजे जोगी बनाउणा है, संत सिपाही बनाउणा है, मान करके सिर उच्चा करके इस संसार दे विच ना आप भै पीत होवो, ना दूजियां नूं भै पीत करो, पर याद रखियो भै विच जाओगे जदों तुहाडियां लोड़ां भावें उह पदार्थ दे रूप विच ने, भुखां नहीं रहणगियां, वह तृष्णा बन जाणगियां, फिर तुसीं डरिया होया सहमिया होया जीवन बतीत करूंगे, क्योंकि नजायज़ काम करोंगे, फिर वह नाजायज़ काम जिहड़े ने कुकृत बन के जदों तुहानूं तुसीं करोंगे ना, तो फिर अंदर चिंता तो आएगी, डर तो आएगी, मेरा कोई देख ना लवे, तुसीं कमा भी लौंगे फिर उहनूं लुकाउण दा यतन करोंगे, उस दे खुस जाण दा डर जिहड़ा है, ते नाल होर होर प्राप्त करन दा लालच तुहानूं तंग करेगा। महाराज कहिंदे इस करके मैं कहना, मिठे भोजन होण, रसदायक भोजन होण, लूणे भोजन होण, खट्टे मिठे होण, पर ये छकदे आ जे शुकराना करोंगे, वाहिगुरु दे शुक्रगुजार होवोंगे बाणी दे आसरे, नाम सिमरन दे आसरे, फिर जेड़ा रस नाम सिमरन चों आएगा ना, वो इन्हां पदार्थां दे मिठे लूणे खट्टे कौड़े रस नालों किते ज़्यादा आनंददायक होएगा। अज दे इस पावन बचन विच सानू गुरु देव ने गुरु दे
इस शब्द दे नाल जुड़ के नाम सिमरन दी वाहिगुरु जी नूं शुक्रगुजारी दे रूप च याद करन दी प्रेरणा दित्ती है। बचन जिहड़ा गुरुदेव गुरु नानक साहब ने सानूं बख्शिश कीता इहदी विचार कल फिर गुरुदेव कृपा करन असीं करांगे, जिहदे विच खाण दी पहनण दी सौण दी महल माड़ियां मानण दी घोड़ सवारियां सवारियां दे साधन मानण दी गल कीती, किते नहीं नकारिया महाराज ने भई ये ना प्राप्त करो। महाराज कहिंदे मैं चाहुंदा मेरा सिख ते इत्थे इदां जीवे उहदे कोल महल माड़ियां भी होण, उहदे कोल चंगे तो चंगे सवारियां दे साधन भी होण, उहदे कोल लंगर विच भी घर विच भी छत्ती पदार्थ होण, उह मुबारक ने। पर जिहड़े सुकृत करके सेव कीती संतोखी जिनी सचो सच त्याया ओनी मंदा पैर ना रखियो कर सुकृत धर्म कमाया, ओनी दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया। नाले चेते है तू बख्शीशी अगला नित दे मैं चढ़न सवाया वड्याई वड्डा पाया। तुसी पदार्थ पाउंदे पाउंदे उस वड्डे दी वड्याई करदे करदे वड्डे नूं प्राप्त कर लो, तुहाडा राज ते योग तुहाडी किरत ते कीरत तुहानू आनंद की अवस्था में लै जाएगी। गुरु कृपा करन इस उपदेश नू इस रूप में असी अपनी जिंदगी विच दृढ़ कर सकीए। अज दे इस संखेप समय विच इन्ने शब्द प्रवान करने गुरु पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज दे दल पंजन गुर सुगुरमा वड जोधा बहु पर उपकारी दे मेरी पीरी दिवस दियाँ एक बारी बहुत बहुत मुबारक। सानू गुरु दे उपदेश नू अज याद करते हैं, शाम को भी मैनू पता लग्या दीवान होना है ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की सिफत सलाह गायन की जानी विचारी जानी है। गुरु दे सिख दे रूप विच सानू गुरु नाल जुड़ के राज योग संत सिपाही दी भगती शक्ति दी ए जीवन जुगत जिहड़ी गुरु ने दृढ़ कराई है इहनू अमली रूप देण दा उद्दम उपराला समत गुरु बख्श देण। इन्ने शब्द प्रवान करने भुल्लां चुक्कां दी खिमा फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।